हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. गाइस, अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे. तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 7.3. ये भी एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन है. इससे पहले हमने थ्योरम 7.2 किया था, वो भी 7.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था. तो ये जो हमने थ्योरम अभी 7.2 किया था, जिसका स्टेटमेंट था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. तो यहाँ आपका क्या आ रहा है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल आर इक्वल. तो पहले वाली थ्योरम आपकी थी कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, लाइट कि ए बी अगर ए सी है, तो उनसे रिलेटेड अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. यानी एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा. बट यहाँ पे क्या कहा है कि अगर एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी. द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. एंगल इक्वल तो साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल तो एंगल इक्वल. ये आपको स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखना है. तो ये हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी. सेम आपने थ्योरम 7.2 क्या था, वही का वही यहाँ पे आपको करना है, वही कंस्ट्रक्शन करना है, वही आपका सेम जो हमने यहाँ पे लिया था, सेम आपका कंस्ट्रक्शन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लेकर के, और सेम यहाँ पे ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है. और जहाँ पे हमने एंगल, ये देखो यहाँ पे एंगल इक्वल किए थे और वहाँ पे साइड इक्वल करनी है. तो सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं. तो जो आपकी थ्योरम 7.3 है इसका गिवन हो गया, वी आर गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, जिसके अंदर की हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी यहाँ पे गिवन है. बिल्कुल इसका रिवर्स है. और हमें यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी, तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी, ए बी. एंगल बी के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी, ए सी. तो हमें ए बी इक्वल टू ए सी यहाँ प्रूव करके बताना है. तो इसको प्रूव करने के लिए, अब इस थ्योरम के लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये थ्योरम जो है वो हमारी एंगल एंगल साइड से प्रूफ होगी. ये वाली सिर्फ आपने इतना सा याद रख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा. तो ये वाला स्टेटमेंट लगाने के लिए दो ट्राइंगल होने चाहिए. यहाँ पे तो हमारे पास दो ट्राइंगल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाएंगे. तो एक एंगल हमारा इक्वल है और कुछ हमारा यहाँ पे इक्वल नहीं है. अगर मैं यहाँ पे इसी ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में इस तरह से डिवाइड कर देती हूँ, तो हमें एक एंगल मिल गया. ये साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई, एंगल हो गई, साइड हो गई, ठीक है. तो एक एंगल और हमें चाहिए. तो आपने ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से करना है. थ्योरम 7.2 में भी हमने सेम कंस्ट्रक्शन किया था और थ्योरम 7.3 में भी सेम कंस्ट्रक्शन होगा कि हम यहां पे एंगल ए को क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में बाइसेक कर रहे हैं. यहां पे एंगल जितना भी हमारा ए है, तो एडी यहां पे जो लाइन, हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं कि ये दो पार्ट में, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए. तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इस तरह से हम इसको बाइसेक कर रहे हैं. तो ये हमने क्या किया है, बाय कंस्ट्रक्शन यहां पे किया. तो कंस्ट्रक्शन के आप क्या लिखोगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर, draw the bisector AD of angle A which meets BC and D. जो BC को कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे D point पे मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज bisector है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू हमने एंगल 2 यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है. इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, क्योंकि ये हमें यूज़ आएंगे. अब आप इन दोनों ट्राइंगल को, क्योंकि हमें चाहे एंगल इक्वल करना हो, चाहे हमें साइड इक्वल करना हो, या चाहे एंगल इक्वल करना हो, हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम चाहे एंगल भी इक्वल कर सकते हैं और साइड भी इक्वल कर सकते हैं. तो नाउ अब इसमें प्रूफ, तो सेम आपका है. एक थ्योरम अगर आपने अच्छे से कर ली तो दूसरी थ्योरम आपकी सेम है. तो नाउ इन ट्राइंगल या कंसिडर ट्राइंगल, कौन कौन सा, ए बी डी, कंसिडर ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी हमने ले लिया. तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया, कौन से दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, और ये हमें यहाँ पे गिवन है, ओके. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. तो ये एंगल बी इक्वल टू सी, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है. फिर ए डी इक्वल टू ए डी आपका कॉमन है, क्योंकि ए डी इस ट्राइंगल की भी साइड है और ए डी इस ट्राइंगल की भी साइड है. तो ए डी इक्वल टू ए डी, ये हमारा यहाँ पे हो गया कॉमन. और एक हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन से, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया इस तरह से किया कि दोनों एंगल इक्वल हो जाए. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन, ये रीज़न आपको लिखना कंपलसरी है. अब आप यहाँ पे देखो कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है. तो एक तो ये है हमारा एंगल, एक ये हमारा एंगल है, और ये साइड है, यानी कि साइड एंगल के बीच में नहीं है. तो आपका कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल एंगल साइड. अगर ये वाली साइड होती तो एंगल साइड एंगल लगता. और इस तरफ भी देखो तो ये एंगल है, ये एंगल है, और ये साइड है. तो यहाँ भी एंगल एंगल साइड हो गया. तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी हैव ट्राइंगल
ABD is congruent to triangle ACD, बट हमें ट्राइंगल नहीं congruent करना है, हमें तो साइड इक्वल करनी है. तो हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल congruent है तो हम CPCT लगा सकते हैं, corresponding part of congruent triangle. तो यही हम लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ABD इज congruent टू ट्राइंगल ACD, सो बाय CPCT, सो बाय CPCT साइड ए बी इक्वल टू हमारी हो जाएगी साइड ए सी के. ओके, तो हैंड्स प्रूव. ओके, यही हमें प्रूव करना था, दोनों साइड इक्वल. तो ये स्टेटमेंट को आप एज इट इज यूज करोगे. अगर आपको एंगल इक्वल गिवन है तो आप देखोगे साइड्स अपोजिट, साइड अपोजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें थ्योरम 7.3 सकते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. अगर आपकी साइड्स इक्वल गिवन है तो आप एंगल इक्वल कर दोगे, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. तो आई होप आपको थ्योरम अच्छे समझ में आया. अब भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.